और आइए अब हम आग्रह करते हैं जिला पदाधिकारी मधुबनी श्री शीर्षक कपिल अशोक जी से कि आप आए और मिथिला कैब का आपके द्वारा उद्घाटन किया जाना है, शुभारंभ किया जाना है और इस बारे में जो प्रक्रियाएं हैं आप इसको पूरी करें। जोरदार तालियों से स्वागत एक बार करें। धन्यवाद। यहाँ पे आज इस मिथिला महोत्सव के आयोजन पर एक अच्छा अवसर हमको मिला। मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा पृष्ठभूमि। हमारा मिथिला पाक जो है बहुत पवित्र है और सम्मान की हमारे जो गरिमा है मिथिला की वो दर्शाता है। हम देख रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे पाग तो दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत मृदु है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक हमारी आइडेंटिटी जो होती है, हमारे माननीय विधायकगण हो, माननीय मंत्री जी हो, हमारे यहाँ के लोग हो, स्थानीय लोग, वो एक तरीके से कैप पहनते थे कि जो हिमाचली होती थी, जम्मू कश्मीर की होती थी या अन्य प्रांतों से होती थी। एक मिथिला का नाम जो है, क्योंकि मिथिला पेंटिंग इतना सुंदर है, पाक का आकार भी इतना सुंदर है, तो हमको एक लगा माननीय गिरिराज मंत्री जी हमारे भारत सरकार के आए हुए थे, ग्राम विकास प्रतिष्ठान में कार्यक्रम था, शशना जाया तो उपस्थित है ही, तो उन्होंने आह्वान किया सभी लोगों को कि इस धरती पर आप सोच सकते हैं कि एक कैप हो जाए, तो हमने कहा कि निश्चित ही हम एक प्रयास करेंगे। तो इस प्रयास में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मधुबनी, जैसे हमारे माननीय मंत्री विनोद नारायण झा जी ने कहा कि मिथिला संस्कृति की हृदय स्थली अगर कोई है तो वो मधुबनी है, और इस मधुबनी के कलाकारों ने, मैं उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन जरूर करना चाहूँगा कि जिन्होंने इसमें हमको सहयोग किया है, एक तो है हमारे हेमंत कुमार जी है, ग्राम विकास प्रतिष्ठान ने भी इसमें सहयोग किया है, अर्जुन राय बुनवन जी, सभी जी, ये भी है इसमें अच्छा हमको इनपुट दिया है, राकेश जी भी सामने बैठे हैं, सुरेंद्र जी भी हमारे सामने बैठे हैं, और इस सर हम बताना चाहेंगे कि मिथिला कैब जो है इसका डिज़ाइन करने से पूर्व हमने एक मीटिंग आयोजित की थी, तो इसमें हमने चेतना समिति हो गया, जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनको अब बुलाया था हमने, मंदिर यहाँ पे जितने पुराने पुराने समितियाँ हैं, याज्ञवल्क समिति है, उचेट भगवती समिति है, हमारे विद्यापति समिति है, हमारे यहाँ पे उगना महादेव समिति है, तो मंदिर के पुजारी गण भी यहाँ पे आए हुए थे, तो उन माननीय हमारे अध्यक्षा जिला परिषद भी है वो भी आई हुई थी, तो इन सब ने मिल के यहाँ पे हमने सविचार मंथन करके इसका डिज़ाइन वगैरह किया है। तो मैं सबसे अनुरोध यही करूँगा कि देखिए ये जो कैप है ये वो हमारे गरीब कलाकार बनाते हैं जिन्होंने अपने स्मृति में मिथिला की संस्कृति को जतन किया है और उन्हीं के लिए एक रोजगार मिलेगा। बस मेरा आह्वान आप लोगों से यही होगा कि ये मिथिला कैप आप उनको नज़र में रख के पहनेंगे तो इनको एक रोजगार मिलेगा और यहाँ की दीजिए, बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं कि जो बाहर नहीं जा सकते, तो एक छोटा सा स्टार्टअप जिसमें जो भारत सरकार कहता है कि स्टार्टअप इंडस्ट्री हो सकती है, तो मिथिला कैप की भी एक इंडस्ट्री हो सकती है जिसमें आप सभी लोग हमको सहयोग कर सकते हैं। आह्वान मेरा माननीय जी से यही रहेगा कि मिथिला के मेरे जितने भी विधानसभा के सदस्य है, माननीय सदस्य है, विधान परिषद के सदस्य है, हमारे माननीय सांसद लोग जो है वो कृपया इसको एक दिन पहन लेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो कलाकार हैं उन्होंने इतनी जो मेहनत की है वो धन्य हो जाएंगे। हमारे डीडीसी साहब ने कह दिया है कि जिला पार्षद के हमारे लोग एक दिन जरूर जो है इनका सेशन जब होगा, सभा जब होगी तब पहनेंगे, और इसमें कुछ चीज़ें और भी हम बताना चाहेंगे कला संस्कृति के बारे में। माननीय पर्यटन मंत्री जी ने हमको काफ़ी अच्छे सुझाव दिए हैं, इनके प्रयास से ही जो 56 पर्यटन स्थल की सूची यहाँ पे मिली है उसमें हम कुछ और ऐड करेंगे। माननीय सदस्यगण अगर हमको कुछ सूचना देते हैं या सुझाव देते हैं तो वो भी भारत सरकार को दिया है। इसमें जो मधुबनी मिथिला के जो हमारे मेन कला के सेंटर्स है, जैसे मंगरौली फोर्ट टेराकोटा है, जितवापुर राठी चित्रकला है, हमारा रामपुर रैयाम जो है सिक्की आर्ट के लिए है, सुजनी के लिए भी हमारे है, उसके बाद कास्ट शिल्प के लिए है, कपड़े की गुड़िया है, बहुत सारे आर्ट है जिसमें हमने इसी तरह छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और वहाँ के कला को प्राधान्य दिया जाएगा, बाकी कला के भी स्टॉल्स लगेंगे। इसमें जो है पर्यटक लोग भी आ सकते हैं। वेदांत सर्किट वाचस्पति डी पे राकेश जी सामने बैठे हैं, उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था, तो वहाँ पे वाचस्पति डी पे भी जो है वाचस्पति समारोह पर एक राजकीय महोत्सव हो सकता है। सर आपसे अनुरोध रहेगा वो देख सकते हैं। बिस्पी हमारा सर
हमारे आदरणीय विद्यापति जी की जन्मस्थली है सर, पर्यटन विभाग का वहाँ पे भवन भी मौजूद है सर, उस पर पेंटिंग हम करने जा रहे हैं। लेकिन अनुरोध एक रहेगा सर, समस्तीपुर में तो आपने एक दे ही दिया है विद्यापति महोत्सव, लेकिन जहाँ पे जन्म हुआ उस जन्मभूमि पे अनुरोध रहेगा विद्यापति जी का, एक यहाँ पे राजकीय समारोह होना चाहिए जैसे मिथिला महोत्सव हम करते हैं सर। इसके बाद कुछ कला क्षेत्र में हमारे रत्नेश्वर झा सर यहाँ पे उपस्थित है, उन्होंने काफ़ी सर हमको मदद की है। कलेक्ट्रेट में मेरा पेंटिंग का काम सर शुरू हो गया है, निधि चौक पे भी शुरू हो गया है। नेक्स्ट टाइम सर जब आएंगे तो ये रोड जो है आपको बहुत सारे पेंटिंग्स इस रोड पे मिलेंगे। दो उद्देश्य है सर कि पर्यटन स्थल के रूप में इसका विकास किया जाए, दूसरा उद्देश्य यह है सर कलाकारों के लिए भी एक आइडेंटिटी बन जाए। बहुत से कलाकार ऐसे हैं, यहाँ 100 कलाकार होंगे तो 5 कलाकार पूरे भारत में विश्व में जाने जाते हैं, लेकिन 95 कलाकार जो है अपने गांव से बाहर नहीं निकलते हैं, तो उनके लिए ये प्रयास है सारा चीज़। ये मिथिला कैब भी उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है सर। कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर 1-1 करोड़ के 4 सर जो है भारत सरकार के रत्नेश्वर सर है, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है चितवारपुर रांटी रैयाम रामपुर में वो करेंगे। एक जीविका के माध्यम से सर स्टोर जो रॉ मटेरियल ये लेते हैं कि योजना है उसमें 90% सर अनुदान जो है भारत सरकार देती है, 10% सिर्फ हमको इन्वेस्ट करना है सर, तो वो प्रस्ताव भी हमने भेज दिया है भारत सरकार को। और कहने में बहुत खुशी हो रही है मुझे सर, एक तो ग्राम कला जो हमारा एक जितवारपुर को तो डिक्लेयर किया ही है 8 विलेज करके, तो एक दिल्ली हाट है सर उसके तर्ज पर हमने ऑलरेडी प्रस्ताव भेज दिया है उसको, मिथिला हाट मतलब ये जो कलाकार हैं हमारे उनके स्टॉल्स लगेंगे हाईवे पे NH पे सर, तो जो भी टूरिस्ट इस रोड से जा रहे हैं हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो वहाँ पे जाएंगे परचेस करेंगे, जैसे मिथिला कैप होगी, मिथिला का दुपट्टा भी है सर, आपने कहा कि एक जगह पे आप पहन के गए थे आज भी आपको देने वाले हैं सर, यही कलाकारों ने बनाया हुआ है। तो ये दिल्ली हाट का भी उसको 25 तारीख को सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ रहा है सर, डेवलपमेंट कमिश्नर सर भी आ रहा है सर, एंड ऑफकोर्स रत्नेश्वर सर हमेशा रहते हैं वो भी यहाँ पे रहेंगे सर। इसके अलावा मिथिला के लोकगीत है सर और लोक कथाएं है सर, इसको हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जो मिथिला जन्मभूमि जिनकी मिथिला है या मिथिला से जुड़े हुए हैं उनके आवाज़ में, उनके आवाज़ में जो स्टोरीज है और वो, और उमेश जी यहाँ पे बैठे हैं, चेतना समिति बार बार कहती है कि हमारी जो भाषा है उसका जतन करना चाहिए। एक चीज़ है सर, अगर सर्वे करेंगे सर तो मधुबनी जिला ऐसा मिलेगा कि सबसे ज़्यादा साहित्यिक यहाँ पे मिलेंगे सर, और किताबों की संख्या अगिनत है। हम यहाँ पे सबसे जहाँ भी जाते हैं मांग रहे हैं कि किताबें हमको दे दीजिए ताकि हम उसको सेव करें, और मैथिल लैंग्वेज में भी लिखे हुए बहुत सारी किताबें हैं उसका भी जतन किया जाएगा सर, और मिथिला लैंग्वेज के लिए कैसे प्रचार प्रसार करेंगे इसमें चेतना समिति और अन्य हमारी जो विकास समितियां हैं मधुबनी जिले की मिथिला की वो हमको मदद कर रही है। इस कार्यक्रम में मैं जयनगर चेंबर ऑफ कॉमर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि उन्होंने इस कैब के लिए स्पॉन्सर किया सर। इसका कॉस्ट वैरी होता है सर 250 से 350 के बीच में, क्योंकि पेंटिंग भी करना है सारा चीज़ भी है। तो बस एक अनुरोध रहेगा सभी लोगों को, सामने भी जो बैठे हुए हैं उन कलाकारों के लिए, इस मिथिला कैप को अगर आप पहनेंगे, और ये कैप हम ऑफिशियली मधुबनी जिले के तौर से सारे हमारे माननीय विधायकगण और विधान पार्षद और हमारे माननीय सांसद जी रहेंगे उनको हम भेजने वाले हैं, तो कृपया आप सर उसका विमोचन किया जाए। धन्यवाद। इस शानदार आइडिया के लिए जोरदार ताली आप सब बजाएं जिला अधिकारी मधुबनी के लिए, और आप सब देख रहे हैं कि शुभारंभ किया जा रहा है और हमारे सभी माननीय इस कैप को पहन रहे हैं, और आप जब भी अपना कैप संभाल लें तो आप सभी बहुत गौर करते हुए हैं, किए गए और इतने आइडियाज अभी अभी रखे गए जिलाधिकारी मधुबनी के द्वारा। निश्चित रूप से एक जो खास बात हुई कि हमारे जितने
माननीय जब सेशन चलेंगे और उस वक्त सारे के सारे हमारे माननीय जब इसको धारण करेंगे तो वो भी नजारा बहुत ही खूबसूरत और सुंदर होगा। हम सभी माननीय सागर करते हैं कि आप मंच पर आसन ग्रहण करें पुनः और आग्रह करते हैं पुलिस अधीक्षक मधुबनी से कि आप आए और धन्यवाद ज्ञापित करने की कृपा करें। श्री दीपक बरनवाल जी आपसे निवेदन है कि उद्घाटन सत्र का धन्यवाद आपके मुखारविंद से जोरदार तालियों से हम स्वागत करें पुलिस अधीक्षक मधुबनी का।